Namaste, this is Tanya Ghosh and you are watching my YouTube channel. Welcome to the episode 2 of Gang Talk series. आज अभी मैं घर पे हूँ इस वक्त, थोड़ा बहुत बस पैकिंग बचा है, then I'm going to leave for the bus stop which is in this planet area. वहाँ से I'm going to get the bus. So अभी बस थोड़ा लंच करना है, कुछ खा पी के जाना क्योंकि भूख बड़ा लग रहा है, और तैयार श्यार होना है. एंड जो ये कैमरा का इक्विपमेंट्स है, चार्जर वगैरह, और जो मेरा लैपटॉप पड़ा है वहाँ पे, वो भी लेना है. तो ये बस ये थोड़ा मोड़ा काम बाकी है एंड देन वी आर रेडी टू गो. मैं जस्ट अभी घर से निकली ही हूँ एंड इट इज़ अराउंड 3:52 एग्जैक्टली एंड बाबा इज़ कमिंग टू ड्रॉप मी टू द बस स्टॉप. जो मेरा बस है ना वो है इस प्लैनेट बस स्टैंड से एंड आई एम गोइंग थ्रू ग्रीन लाइन बस सर्विसेज एंड इट्स अ वोल्वो. और जो है मेरा बस 7 बजे छूटने वाला है. आई एम गोइंग टू रीच एट द बस स्टॉप एट अराउंड 4:30 ish. आई एम प्रिटी एक्साइटेड एंड टुमारो मॉर्निंग आई विल बी एट सिलीगुड़ी. आई डोंट नो वॉट टाइम आई एम गोइंग टू रीच बट इट्स गोना टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स एंड माई मॉम एंड डैड आर ऑलरेडी सैड दैट आई एम लीविंग बट आई एम जस्ट गोइंग फॉर 4 days है ना, 4 to 5 days के लिए. इसमें मतलब इतना भी नहीं दुखी होना चाहिए. और बेला इज़ ऑल्सो एट होम, उसको तो पता भी नहीं बेचारी को कि मैं 4 to 5 दिन तक नहीं आने वाली हूँ घर. एनी वेज अभी आई एम गोइंग टू, पता नहीं कहाँ पर मैं आपसे दोबारा मिलने वाली हूँ, बट जो भी होगा आई एम गोइंग टू अपडेट यू. हु आर यू स्ट्रेंजर? चल चल पापा मेरे को ड्रॉप करके चले गए एंड आई एम सर्चिंग फॉर द बस राइट नाउ. और यहाँ पे इतना सारा बस है कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ. ओह वाओ, देयर आर सो मेनी पीपल. यहाँ पे एक प्ले ग्राउंड है, आई विल शो यू. ग्रीन लाइन में बस स्टॉप कौन था? ओह फाइनली, बहुत स्ट्रगल के बाद वैसे बस मिल गया था, स्पॉट पे ही था. बहुत लोगों से पूछ के आना पड़ा, लेकिन बहुत देर बाहर वेट करना पड़ा क्योंकि ये 7 बजे का बस है तो वो हमें 6:30 बजे से ही चढ़ने देने वाले थे, बट दे आर काइंड 10 मिनट पहले दे दिए, अलाउ कर दिए चढ़ना. अभी मैं रुकी हुई हूँ विंडो सीट पे बैठी हूँ और वी आर वेटिंग टू स्टार्ट. वैसे बस स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं है. बस यहाँ आओगे तो आप यू नो वॉशरूम टॉयलेट वॉलेट कर लो, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हुआ, जो लेडीज़ टॉयलेट था वो बंद था तो जो जेंट्स टॉयलेट है उसी में उन्होंने कोई ताला खोल के दी थी कि अंदर जाके कर रहा है, एंड इट इज़ नॉट क्लीन एट ऑल. बट बस जर्नी में यही एक प्रॉब्लम है कि आपको जाना पड़ेगा और नेक्स्ट लाइक 7 बजे स्टार्ट होके 11:30 को बस रुकेगा. सो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए और मेरे जैसे इंसान जो इतना पानी पीता है उसके लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है. एनी वेज, बुरी चीज़ें तो होते रहती है बट अच्छी चीज़ ये है कि इन 12 आवर्स आई एम गोइंग टू बी इन सिलीगुड़ी. मुझे नहीं पता आपको कितना सुनाई देगा क्योंकि ये बहुत शोर है. अभी भी जस्ट हम बस से उतरे ही है एंड जो बस है वो एक कोई पेट्रोल स्टेशन में, आई मीन पेट्रोल पंप स्टेशन में उतारा एंड नाउ आई एम गोइंग
टू दिस स्कूटी वाला जहाँ से आई एम गोइंग टू हायर द स्कूटी, सब बात करके रखा हुआ था तो. बट ये रिक्शा राइड मिल रहा है, बहुत टाइम बाद मैं रिक्शा में बैठी हूँ एंड आई फील सो गुड. और ये रिक्शा ना सिर्फ कोलकाता में ही मिलता है. पिछले देखा तो दादा हमारे वीडियो पे आज में तुम ही है यूट्यूब पे वीडियो दी. हाँ तो ये रिक्शा वाले भैया बहुत ही अच्छे हैं, हमें 50 रुपीज़ में पहुँचा दे रहे हैं. सो लेट मी एंजॉय द राइड और आप भी मेरे साथ थोड़ा मजा लो. रिक्शा में घूमते घूमते मिल गया हम लोग को ये होटल कनिष्का. एंड यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले गई यूरिन डिस्चार्ज करने, क्योंकि बहुत ज़ोर से मुझे लग गया था एंड नाउ आई फील सो गुड, एकदम हल्का लग रहा है. और ये जो है इनका होटल भी है, यू कैन कम एंड स्टे हियर. एंड ये जो भैया है ये मेरे लिए फिल कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू गेट अ स्कूटी फ्रॉम हियर एंड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मिरिक. तो अगर आप यहाँ आते हो एंड इफ़ यू वॉन्ट कि कहाँ से, अगर आप सोच रहे हो कहाँ से स्कूटी लेना सही होगा एंड इफ़ यू कैन टेक और ट्रस्ट समवन, यू कैन होटल कनिष्का में. एंड इनको हमने बहुत रिसर्च करके फ़ोन वोन करके बुक किया है. जो यहाँ का बस स्टॉप है जहाँ से आप सिलीगुड़ी बस स्टॉप में उतरोगे वहाँ से जस्ट 7 मिनट्स इन रिक्शा एंड यू कैन इवन वॉक इन कम हियर. तो यहाँ पर आ जाओ. एंड ये दोनों जो लड़के हैं बहुत ही अच्छे हैं एंड कोऑपरेटिव है एंड दे विल हेल्प यू विद द स्कूटी. वी आर गोइंग टू मिरिक एंड यहाँ का ट्रैफिक और गर्मी भी लगना शुरू हो गया है. सुबह जब आए थे हम इतना गर्मी नहीं था बट अभी गर्मी शुरू हो गया है, ट्रैफिक भी शुरू हो गया है. सुंदर लग रहा है ये जगह, चाय बगीचा है यहाँ पे है ना, और ऐसा लग रहा है वो चाय बगीचे के बीच से कोई रास्ता जा रहा है. इंडियन रोड्स और गाय का कोई पुराना जन्म का रिश्ता है, ये जरूर मिलेगा. मिरिक जा रही थी मैं, मतलब जो होटल जो होम स्टे मैंने बुक किया हुआ है वहाँ पे. बट मैं सोची ये इतना सुंदर सा प्लेस लग रहा है और इतना मतलब चाय का गार्डन है, लाइक टी गार्डन है दोनों तरफ एंड इतने ब्यूटीफुल हाउसेस, क्या बताऊँ, मतलब दे आर स्मॉल बट कलरफुल एंड सबके घर के आगे गार्डन्स है. आई मीन इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. तो थोड़ा ऑब्जर्व करने के लिए, आई मीन थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा मज़ा लेने के लिए मैं रुक गई यहाँ पे. और मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ जो है मेरे पीछे का ये पहाड़. ये कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है मेरे पीछे के यहाँ के पहाड़ को, एकदम मतलब एकदम पास ही है एंड आई कैन स्टिल सी द ट्रीज एंड एवरीथिंग, बट मुझे दिख रहा है कि कैमरा में बहुत ही छोटा छोटा दिख रहा है, इतना क्लियर नहीं है. कितने दूर से देख रही थी मैं पहाड़ को, बट आई एम सो न्योर एंड आई एम गोइंग टू गो देयर, सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. बट आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करने वाली हूँ. कल के एपिसोड में आई एम गोइंग टू शो यू द होम स्टे वेयर आई एम स्टेइंग मिरिक में एंड आई विल बी स्टेइंग देयर. वहाँ का बहुत ही अच्छा लोकेशन है, यू हैव टू वॉच इट, डू नॉट मिस आउट. दैट्स ऑल फॉर टुडेज एपिसोड एंड आई एम गोइंग टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन बाय, आई लव यू ऑल.